हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, हम जानेंगे कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के कोलिजन शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। और गाइज, मेरे हिसाब से ये कोलिजन शो आज तक का हुआ सबसे बेस्ट कोलिजन शो था, इसलिए इस शो पर क्या हुआ ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू। तो गाइज, इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक वन ऑन वन मैच से हुई, जहां पर हमें ब्रायन डेनिसन अंद्रादे एल इडोलो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज, ये मैच इस वीक के कोलिजन शो के ओपनिंग के अंदर सच में काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच की शुरुआत में तो हमें टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर ब्रायन और अंद्रादे की तरफ से काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग देखने को मिली। और ब्रायन और अंद्रादे, इन दोनों ने एक दूसरे पर एकदम फुल ऑन अटैक शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और गाइज, ओपनिंग मैच के अंदर ही दिस इज ऑसम फाइट फॉरएवर और होली शिट के चैंट्स हो रहे थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये मैच एक काफी शानदार मैच था। और गाइज, ऐसे इस मैच के आखिर में एक दूसरे पर बार बार रोल अप पिन करते हुए आखिरकार ब्रायन ने अंद्रादे को यहाँ पर पिन कर दिया और ब्रायन ने एक रोल अप पिन के सहारे ये मैच जीत लिया है। जिस शानदार मैच की एंडिंग थोड़ी सी डल हुई ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर अंद्रादे और ब्रायन, इन दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाई और हैंडशेक किया। पर तभी सरप्राइजिंगली सभी लाइट्स ऑफ हो गई और गाइज, हमने देखा कि लाइट्स वापस आने के बाद मैलिका ब्लैक ने यहाँ पर आकर ब्रायन डेनिसन पर अटैक कर दिया था। और गाइज, ये देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड होली शिट की चांस कर रहा था। और गाइज, मैं भी ये देखकर काफी खुश था, क्योंकि मैं फाइनली मैलिका ब्लैक और ब्रायन डेनिसन एक रिंग के अंदर देखने को मिले थे और ब्रायन को यहाँ पर बचाने के लिए ब्लैकपूल कॉम्बैट लगा रहा था। लेकिन इतने में लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि मैलिका ब्लैक यहाँ जा चुके थे, जिससे सच में अब आगे मैलिका ब्लैक और ब्रायन के बीच में क्या होता है ये देखने के लिए मजा तो काफी आने वाला था। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर डार्बी एलन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि निक वेन आज तक डार्बी एलन से पूछते थे कि निक वेन कुछ भी कर ले, फैंस निक वेन को इतना हेट क्यों करते हैं, क्या वो इसलिए है क्योंकि निक वेन काफी यंग है और आज तक उन्होंने बिजनेस के अंदर काफी सारी चीजें अचीव नहीं की। तो इसका आंसर फाइनली आज डार्बी एलन निक वेन को बताने वाले है, क्योंकि फैंस निक वेन को इस वजह से हेट नहीं करते क्योंकि निक वेन की रेसलिंग स्टाइल में गड़बड़ है, बल्कि फैंस निक वेन को हेट इसलिए करते हैं क्योंकि निक वेन के चॉइसेस काफी गलत होते हैं। और ऐसी चॉइस निक वेन ने हाल ही में की है कि क्रिश्चियन केज के साथ अलाइन होना, और इसकी सजा फैंस निक वेन को नहीं बल्कि डार्बी एलन निक वेन को देने वाले है। जो बातें डार्बी एलन ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि बाकी डार्बी एलन निक वेन को सही रास्ते पर ला पाते या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर स्काई ब्लू एक वन ऑन वन मैच के अंदर हॉलीवुड हैली के एक लोकल स्टार को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज, ये मैच भी एक शानदार मैच चला, जहाँ पर हॉलीवुड हैली को भी थोड़ा फार ऑफेंस मिला, पर आखिरकार यहाँ पर स्काई ब्लू ने हॉलीवुड हैली पर काफी तगड़े मूव्स लगाकर उन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्काई ब्लू के साथ क्या होता है, क्योंकि उनका कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर द गन्स एक टैग टीम मैच के अंदर कुछ लोकल स्टार्स को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर मैच की शुरुआत में उन लोकल स्टार्स ने गन्स पर थोड़े फार मूव्स लगाए और ये देखकर गन्स इतना गुस्सा हो गए कि गन्स ने लोकल स्टार्स पर फुल ऑन अटैक अनलीश कर दिया और फाइनली उन पर अपना फिनिशर लगाकर द गन्स ने ये मैच जीत लिया। जो देखा जाए तो गन्स के लिए काफी आसान सी विक्ट्री थी, पर गन्स के मैच जीतने के बाद यहाँ पर लाइट्स फिर एक बार ऑफ हुई और सभी को लग रहा था कि क्या यहाँ पर मैलिका ब्लैक फिर एक बार आने वाले है। पर सरप्राइजिंगली टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर MJF का मास्क पहना हुआ आदमी आया, जिसके बाद लाइट्स तो वापस आ गई लेकिन रिंग के अंदर कोई नहीं था। पर यहाँ पर गन्स और जे व्हाइट फाइट करने के लिए एकदम रेडी थे, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे MJF और इन सब के बीच में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड MJF के लिए चेयर कर रहा था। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर लेक्सी बैकस्टेज में ऑरेंज कैसिडी का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और लेक्सी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी सवाल पूछती। इससे पहले यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर आ गए और उन्होंने लेक्सी से कहा कि उनका वार्म अप नहीं हुआ और वो अपना वार्म अप करना चाहती है। जो कहकर यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने लेक्सी को कंधे पर उठा लिया और वो यहाँ स्क्वाट्स करने लगी। और ऐसे में लेक्सी ने अपना इंटरव्यू कंटिन्यू किया, जहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि वो बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट पर विलो नाइटिंगेल को काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन देना चाहती है। जो बातें क्रिस स्टैटलैंडर ने कही और कैसिडी ने भी कहा कि वो बैटल ऑफ द बेल्ट्स पर अपनी चैंपियनशिप रिटेन करेंगे, जिससे बैटल ऑफ द बेल्ट्स पर क्या होगा देखने के लिए काफी मजा आने वाला था। और बैटल ऑफ द बेल्ट शो भी हो चुका है, पर गाइस, हम उस शो के बारे में कल बात करेंगे क्योंकि वीडियोस पहले से ही काफी लंबी हो रही है। पर आपको बैटल ऑफ द बेल्ट शो के सभी रिजल्ट हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं और आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर जेफ जेरेट अपने वन ऑन वन मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए, जहां पर वो एक मेंफर्स स्ट्रीट
फाइट मैच के अंदर एडी किंगस्टन को फेस करने वाले थे और एडी किंगस्टन के एंट्रेंस चलने के दौरान ही जेफ जेरेट और एडी किंगस्टन इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल शुरू हुआ। और गाइस ऐसे ही मैच शुरू हुआ जहां पर एडी किंगस्टन इस मैच की शुरुआत से जेफ जेरेट पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। और यहां पर जेफ जेरेट अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ जे लीथल, सतनाम सिंह और संजय दत्त भी थे। यानी कि ये मैच एक तरीके से 4-on-1 मैच चल रहा था, लेकिन फिर भी एडी ने इस मैच के अंदर जेफ जेरेट पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और जब एडी जेफ जेरेट पर रैंप पर से अटैक करने के लिए गए तब जेफ जेरेट की वाइफ ने यहाँ पर एडी किंगस्टन को डिस्ट्रैक्ट किया, जिसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर जे लीथल ने रैंप के ऊपर से नीचे टेबल पर एडी किंगस्टन पर काफी खतरनाक तरीके से आरकेओ यानी कि अपना फिनिशर लीथल इंजेक्शन लगा दिया, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड होली शिट की चांस कर रहा था। पर इसके बाद मैच आगे रिंग के अंदर भी कंटिन्यू हुआ जहां पर जेफ जेरेट एडी किंगस्टन के पैरों को टारगेट कर रहे थे और वो किसी भी तरीके से यहां पर एडी किंगस्टन को हराना चाहते थे। पर एडी भी इस मैच के अंदर बने रहे और एक टाइम के लिए एडी ने यहां पर जेफ जेरेट की पूरी पूरी टीम पर अटैक कर दिया और सतनाम सिंह के सिर के ऊपर गिटार भी फोड़ा। पर आखिरकार एडी किंगस्टन भी नंबर्स गेम के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे और यहां पर सभी ने एडी किंगस्टन पर अपना फिनिशर लगा दिया और फाइनली जेफ जेरेट ने यहां पर एडी किंगस्टन को पिन कर ये मैच जीत लिया है। यानी कि अब जे लीथल को आरओएच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे एडी किंगस्टन और जे लीथल के बीच में क्या होता है। लेकिन ये मैच सच में एक शानदार मैच रहा। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर लेक्सी बैकस्टेज में द क्लेम का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर द क्लेम फिर एक बार मैक्स कैस्टर को ट्रेन कर रहे थे कि कैसे फ्रेंड्स बनाए। और फिर एक बार यहाँ पर मैक्स कैस्टर ने लेक्सी को ऐसी चीज कह दी जो सुनकर लेक्सी इंटरव्यू छोड़कर जा रही थी। पर बिलिगन और एंथनी बोमेस ने यहाँ पर इंटरव्यू कंटिन्यू किया और बात करते हुए कहा कि उनकी वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल रेन अभी अभी स्टार्ट हुई है और वो इतनी जल्दी अपनी चैंपियनशिप ड्रॉप नहीं करने वाले, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे इनकी ट्रियोस चैंपियनशिप के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें सीजे पेरी यानी कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार लाना कोलिजन शो पर आती हुई दिखाई दी, क्योंकि आगे शो पर मीरो का एक्शन आंद्रेटी के खिलाफ एक 1-on-1 मैच होने वाला था। और इस मैच के लिए मीरो की एंट्रेंस देखकर तो मुझे लिटरली गॉड यहाँ पर आए ऐसे लग रहा था, क्योंकि मीरो की एंट्रेंस तो काफी जबरदस्त थी। लेकिन जैसे यहाँ पर मीरो और एक्शन आंद्रेटी इनके बीच में एक 1-on-1 मैच स्टार्ट हुआ, तो वैसे ही मीरो ने इस मैच के अंदर एक्शन आंद्रेटी पर काफी खतरनाक अटैक कर दिया और मीरो पूरे के पूरे मैच के अंदर एक्शन आंद्रेटी को काफी डोमिनेट कर रहे थे। और ये सब इसलिए क्योंकि सीजे पेरी एक्शन आंद्रेटी की मैनेजर थी, जिसके चलते मीरो का पूरा गुस्सा एक्शन आंद्रेटी पर उतर रहा था। लेकिन एक्शन आंद्रेटी ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर मीरो पर अच्छे खासे मूव्स लगाए, जिससे मीरो और ज्यादा गुस्सा हो गए और मीरो ने एक्शन आंद्रेटी पर अपना फिनिशर लगाकर सबमिशन के सहारे मैच जीत लिया, जो देखकर यहाँ पर सीजे पेरी भी समझ पा रही थी कि मीरो काफी गुस्सा है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी मीरो और सीजे पेरी के बीच में क्या होता है, क्योंकि मीरो सीजे पेरी के हर एक क्लाइंट पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर लेक्सी बैकस्टेज में 2.0 एनर्जी और डेनियल गार्सिया का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर लेक्सी ने पूछते हुए कहा कि क्या इन सब के बीच की बीफ खत्म हो चुकी है या नहीं। और यहीं पर बात करते हुए एनर्जी और सभी ने कहा कि इनकी बीच की बीफ खत्म हो चुकी है और वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। जो बातें कहकर मैट मनार्ड एनर्जी और डेनियल गार्सिया तो यहाँ चले गए, पर एंजेलो पार्कर को अभी भी डेनियल गार्सिया और मैट मनार्ड इनके बीच के बॉन्ड की चिंता थी। और ऐसे में यहाँ पर रूबी सोहो आई, जिन्होंने एंजेलो पार्कर से बात करते हुए कहा कि क्या उनके साथ फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, जहाँ पर एंजेलो पार्कर ने भी बात करते हुए कहा कि हाँ उनके साथ फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है। और रूबी सोहो ने कहा कि वो टेंशन मत ले, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम उनके साथ भी चल रहा है और ये कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, जो बात है रूबी सोहो ने कही। लेकिन इसके बाद यहाँ पर लेक्स ने रूबी सोहो के साथ इंटरव्यू कंटिन्यू किया, जहाँ पर बात करते हुए रूबी सोहो ने कहा कि जब से रूबी सोहो AEW के अंदर आई है तब से उनके पास कोई चैंपियनशिप नहीं है, इसलिए रूबी सोहो काफी जल्दी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आने वाली है, जो बातें रूबी सोहो ने कही। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या अब आगे रूबी सोहो विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन पाती है या नहीं। पर इसके बाद में कोलिजन शो पर फिर एक बार रूस की टीम यानी कि लेफ्ट हेक्सागन इनऑब्लिक के लिए खाई वीडियो देखने को मिला, तो देखना पड़ेगा कि वो कब तक वापस आते हैं। पर इसके बाद हमें शो पर एडी किंगस्टन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर डॉक्टर्स एडी किंगस्टन को चेक कर रहे थे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने जे लीथल को वार्निंग देते हुए कहा कि एडी किंगस्टन अब तक जे लीथल को ये मैच इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि जे लीथल के मदर ने कहा था कि जब तक जे लीथल वो अच्छे है प्रूव कर एडी किंगस्टन से मैच अर्न नहीं करते, तब तक एडी किंगस्टन जे लीथल को उनका मैच ना दे। पर जे लीथल ने सभी हदें क्रॉस कर दी है और उन्होंने एडी किंगस्टन पर अटैक कर दिया है और अब जे लीथल को आरओएच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच तो मिलेगा, जहां पर एडी किंगस्टन जे लीथल को नहीं छोड़ेंगे और जे लीथल के मदर के सामने एडी किंगस्टन जे लीथल का वो हाल करेंगे जो हाल जे लीथल की मदर भी नहीं देख पाएंगी। और इसलिए नहीं क्योंकि एडी किंगस्टन काफी गुस्सा है, बल्कि इस वजह से क्योंकि जे लीथल ये डिजर्व करते हैं, जो बातें एडी किंगस्टन ने कही। और फिर एक बार एडी किंगस्टन की इस प्रोमो के चलते यहाँ पर जे लीथल वर्सेस एडी किंगस्टन ये राइवलरी काफी पर्सनल बन चुकी है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर FTR अपने टैग टीम मैच के लिए आती हुई दिखाई दी, जहां पर FTR का मैच कुछ लोकल स्टार्स के खिलाफ होने वाला था और FTR इस मैच के अंदर डोमिनेट कर ही रही थी कि फिर एक बार यहां पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और पता नहीं चल रहा था कि अब यहां पर क्या हो रहा है। लेकिन लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि मैलिका ब्लैक रिंग के अंदर थे और इससे पहले कि FTR मैलिका ब्लैक पर अटैक करती फिर एक बार लाइट्स ऑफ हो गई और इस बार लाइट्स वापस आने के बाद हाउस ऑफ ब्लैक रिंग के अंदर खड़ा था और यहां पर मैलिका ब्लैक और हाउस ऑफ ब्लैक ने मिलकर FTR
FTR पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिसके चलते FTR का ये मैच नो कॉन्टेस्ट के अंदर खत्म हुआ। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि हाउस ऑफ ब्लैक किन किन लोगों को टारगेट कर रही है और उनका फ्यूचर क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर अमेरिकी स्टार्स और बिग बेल अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के क्लूडियो कैसनोली और व्हीलर यूथा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार ये मैच कोलिजन शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर सभी स्टार्स की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही है। और क्लूडियो कैसनोली और बिग बेल इन दोनों ने तो इस मैच के अंदर कमाल ही कर दिया, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी इस मैच के अंदर काफी शानदार रही। और इस मैच के अंदर भी काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा था और पूरा का पूरा क्राउड भी इस मैच के अंदर काफी इन्वेस्ट था। और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ पर ये मैच जीतने के लिए जा ही रहा था कि फिर एक बार सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स ऑफ आने के बाद यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक आ गया और हाउस ऑफ ब्लैक ने यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रिकी स्टार्स ने यहाँ पर व्हीलर यूथा पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया और अपनी टीम के लिए टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर लिए। लेकिन हाउस ऑफ ब्लैक रिंग के अंदर आ रहा था, जो देखकर रिकी स्टार्स और बिग बिल पीछे हट रहे थे, लेकिन हाउस ऑफ ब्लैक ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर ब्रायन डेनसन और FTR ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की मदद करने के लिए आ गए। लेकिन नंबर्स एडवांटेज के सामने वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो देखकर फाइनली हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली आते हुए दिखाई दिए और मॉक्सली सीधा रिंग के अंदर गए, जिससे कि नंबर्स इक्वल हुए और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने हाउस ऑफ ब्लैक, बिग बिल और रिकी स्टार्स को रिंग के बाहर कर दिया, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पर काफी इरप्ट हो चुका था, क्योंकि फाइनली यहाँ पर मॉक्सली वापस आ चुके थे। पर रिकी स्टार्स अब भी शांत नहीं हुए थे और वो फाइट करना चाहते थे, और शायद उन्हें लगा कि हाउस ऑफ ब्लैक उनके साथ है, क्योंकि इस दम पर वो रिंग के अंदर गए और उनके अलावा रिंग के अंदर कोई नहीं गया, जिस चीज का फायदा उठाकर FTR ने यहाँ पर रिकी स्टार्स पर अपना फिनिशर लगा दिया और मॉक्सली ने भी अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया और हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ से जा चुका था। और अकेले बिग बिल भी रिकी स्टार्स को बचाने के लिए रिंग के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जिसी बीच क्लूडियो ने रिकी स्टार्स पर एक जायंट स्विंग लगा दी और इसी स्विंग के साथ इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जो कोलिजन शो मुझे अब तक का देखा हुआ सबसे जबरदस्त कोलिजन शो का है और गाइस मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट कोलिजन शो है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए आपका इस शो पर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?